इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में एकत्रित हुए दलित समाज के लोगों ने सागर जिले की खुराई विधानसभा में हुई एक दलित परिवार के 3 लोगों की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिन लोगों के द्वारा दलित परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतारा है वह बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अनुशासन और नियम कायदे से चलती है, इसलिए वह मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच करवाएं और तत्काल आरोपियों को बीजेपी से निष्कासित करवाने की अनुशंसा करें, साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्यवाही को लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित करें। दलित अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुंठाग्रस्त लोग, गणित मानसिकता के लोग, नफरत फैलाने लोग, कट्टरपंथी लोग लगातार कमजोर वर्ग पर अपना ताकत का हुकूमत जमाते हैं, उन्हें मारपीट करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं, बलात्कार करते हैं। ये घटनाएं रुक नहीं रही है, आए दिन ये अत्याचार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, वर्तमान में सागर के अंदर, खुरई विधानसभा के अंदर, बोरदिया नोनगिर गांव में एक ही दलित परिवार जो हमारा रविदास समाज का परिवार है, अहिरवार परिवार, अंजना अहिरवार की हत्या हुई, नितिन अहिरवार की हत्या हुई, राजेंद्र अहिरवार की हत्या हुई। ये तो दलित होना, दलित समाज में पैदा होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। यहाँ तो आज ये देखने में आया है कि हमारा वाल्मीकि समाज का रामेश्वर वाल्मीकि, जिसको उल्टा टांग कर दबंगों ने 6 घंटे तक पीटा, उसकी भी जान चली गई। यह घटना राजस्थान की है। राजस्थान के करौली में हमारी आदिवासी समाज की बालिका, 11 साल की बालिका, सामूहिक बलात्कार किया गया उसके साथ, और बलात्कार करने के बाद में उसको जिंदा जला दिया गया। यह घटनाएं कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन मुद्दों को आप राष्ट्रीय स्तर पर उठाइए और हम दलितों के हक की लड़ाई आप भी लड़ें। मेरी आप सबसे ही प्रार्थना है और मैं आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन अत्याचारियों के कारण, जिसमें सागर में जिन लोगों ने अत्याचार किया, अंकित ठाकुर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, सनातन की राजनीति करती है, राक्षसों को, निशाचरों को प्रश्रय नहीं देती है। ऐसे गंदी मानसिकता वाले लोगों को तत्काल निष्कासित करना चाहिए, उनको तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए और उन्हें फांसी के फंदे पर पहुंचाना चाहिए। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, 50-50 लाख का आर्थिक मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाए। यह हमारी मांग है अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में सर्व अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की है।